नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 इसका प्रथम प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बच्चों, आप जानते हैं रैखिक समीकरण जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरीके का होता है। लेकिन अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो x है वो नीचे है, यानी x की घात माइनस में है, तो इसे हम बदलेंगे। देखो कैसे, आप इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। बहुत से क्वेश्चंस में अब यही इसी प्रकार के स्टेप्स हम करने जा रहे हैं। मान लो 1 अपॉन एक्स बराबर होता है a के, 1 अपॉन वाई को हम मान लेते हैं बराबर b के। अब ध्यान से देखिएगा इससे क्या फर्क आएगा। 1 अपॉन एक्स ये है 1 अपॉन 2x, इसमें से 2 को अभी रुक जाए तो 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, a बटा, और नीचे क्या है 2, ये 2 बटे के नीचे है, हर है, इसलिए a बटा 2। समझ आया बच्चों? हमने 1 अपॉन एक्स को a माना, तो 1 अपॉन एक्स की जगह मैंने लिख दिया a, बटा 2 भी था तो वो लिख दिया बटा 2। प्लस इसी प्रकार से 1 अपॉन वाई को माना b, तो 3 को छुपा लो तो ये है 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई की जगह b, बटा नीचे है 3, तो 3 बराबर 2। ये समझ आ गया? इसी प्रकार से इस तरफ देखें, 1 अपॉन x की जगह अब हमने लिया है a, बटा नीचे है 3, प्लस 1 अपॉन y की जगह हमने अभी लिया है b, तो 1 अपॉन वाई की जगह मैंने लिखा b, और नीचे है बटा 2, तो बटा 2 बराबर 13/6। इन दोनों को अभी हम हल करेंगे कैसे, लघुत्तम लेकर। 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6, 6 को 2 से भाग किया, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, यही करते हैं ना बच्चों, तो 6 को 2 से भाग करके आया 3, 3 को a से गुना कर दिया 3a, 6 को 3 से भाग किया 2, 2 को ऊपर b से गुना किया 2b बराबर 2। अगले स्टेप में 3a प्लस 2b बराबर, 6 इधर भाग हो रहा है उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 6 दुनी 12 हो जाएगा, ये हमारी एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार से यहां ले लेते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम यहां भी आ जाएगा 6, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 6 को 3 से भाग करके आया 2a, 2 को ऊपर a से गुना किया तो 2a, प्लस 6 को 2 से भाग किया 3, 3 को ऊपर b से गुना कर दिया 3b बराबर 13/6। ये 6 जब उधर जाके गुना होगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो इसलिए इस 6 को मैं यहीं इस 6 से काट दे रहा हूँ। ये 6 यहाँ इस 6 भाग हो रहा है, यहाँ भी 6 भाग हो रहा है, 6 से 6 कट गया। हमारे पास जो समीकरण आई वो आई 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इनको हल करने के बहुत से तरीके अभी आपने सीखे हैं चैप्टर 3 में, विलोपन विधि भी सीखा है, प्रतिस्थापन विधि भी सीखा है, वज्रगुणन विधि भी सीखा है, तो मैं इसमें से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग यहाँ करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, यह है 3a बराबर 12, 2b यहाँ इसके साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में a बराबर 12 माइनस 2b, 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, आपको याद होगा हमने यही तरीका किया था। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इससे क्या होगा, 2 इक्वेशन 2 में है, ये 2 इंटू ए, ए की जगह मैं लिखूंगा 12 माइनस 2b बटा 3, आगे है प्लस 3b बराबर 13। अब हमें इसे हल करना है,
दो 12 से गुना होगा तो बन जाएगा 24, माइनस दो दो से गुना होगा तो बन जाएगा 4b। इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो लघुत्तम ले लो, 3 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 3, 3 को 3 से भाग करके आया 1, 1 ऊपर इससे गुना होके तो ये रकम ऐसी ही बन जाएगी, प्लस 3 को जब 1 से भाग किया तो आया 3, 3 को ऊपर 3 बी से गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया 9b बराबर है 13। ठीक है बच्चे, अगले स्टेप में ये 3 इधर इस पूरी रकम के साथ भाग हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो 13 से गुना हो जाएगा तो 13 3 हो जाएगा 39। यहां पर बाकी बच गया 24, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 निकाले, 5b, 7 में साइन बड़ी रकम का प्लस, तो अगले स्टेप में 5b बराबर 39 माइनस 24, 24 इधर प्लस हो रहा था इसके साथ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी बराबर 39 में से 14 निकाले 15, 5 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग, पांच से 15 कट गया 3 के पहाड़े में, इसका मतलब बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब हम इस बी की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है ए बराबर 12 माइनस 2 इंटू बी, बी की जगह मैंने लिखा 3 क्योंकि बी अभी 3 के बराबर आया है, बटा 3 बटा 3, ये आ गया 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 3, 12 में से 6 निकाले 6 बटा 3, 3 से 6 कट जाएगा 2 के पहाड़ में, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ए हमारे पास आ गया है 2 के बराबर। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें ए और बी तो निकालना ही नहीं है, हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो किसके बराबर था, वो तो एक्स में था, एक्स और वाई में था, तो हमें एक्स और वाई ही निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे, मेरे पास सबसे ऊपर मैंने माना था 1 अपॉन एक्स बराबर ए, 1 अपॉन एक्स बराबर ए, ठीक है, इसका मतलब एक्स किसके बराबर हो गया, इसका उल्टा कर दो तो इसका भी उल्टा आ जाएगा, यानी 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन ए कितना आया है 2, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। इसी प्रकार से दूसरी तरफ हमने लिया था 1 अपॉन वाई बराबर बी के, 1 अपॉन वाई बराबर बी के, तो y किसके बराबर होगा 1 अपॉन बी के, उल्टा y b का उल्टा है तो b y का उल्टा होगा, 1 अपॉन वाई बी के बराबर है तो y किसके बराबर होगा 1 अपॉन बी के बराबर, तो 1 अपॉन बी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 3, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1/3। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों के रैखिक युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए, तो देखो ये रैखिक समीकरण हमने बनाई थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उनको हल कीजिए, हल करने का मतलब है एक्स और वाई का मान निकालो, तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, यदि ये क्वेश्चन आपको किसी भी स्टेप से ना समझ आया हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, और यदि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।